वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शायद जैन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों फिलहाल हमें रंग बिरंगे रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और एक सुंदर सी शाम जो है अभी जस्ट ढली है। बहुत शानदार मौसम हो रखा था, एकदम बारिश हो रही थी और फिलहाल अभी जो है यहाँ पर शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं। फिलहाल मैं आया था स्टेशन के बाहर अपना जो डिनर है वो कलेक्ट करने। आज की अपनी जर्नी दोस्तों शुरू होने वाली है रतलाम से लेकर नई दिल्ली तक की। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो रूट प्रीफर किया जाता है रतलाम से लेकर नई दिल्ली तक जाने का वो होता है वाया कोटा मथुरा, पर आज हम लोग जाने वाले हैं दूसरे रूट से। एक लौती गाड़ी जो इंदौर से फतेहाबाद होते हुए रतलाम तक आती है, फिर वाया चित्तौड़गढ़ अजमेर जयपुर रेवाड़ी होते हुए दिल्ली सराय रोहिला तक का सफर तय करती है। ट्रेन नंबर 19337 इंदौर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस में आज हम लोग सफ़र करने वाले हैं, जो कि दोस्तों हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, संडे के दिन, और एक नए रूट से दिल्ली तक हमें सफ़र तय करवाएगी। फिलहाल एक चीज़ आप सभी को बता दूँ कि आज जो अपनी ट्रेन है, फिलहाल एक चीज़ आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दूं कि आज की जो जर्नी अपनी 3 AC में होने वाली है, बट अपना जो टिकट है वो RAC ही रह गया है, तो मज़ा आने वाला है। खैर देखते हैं आगे, अपने जो RAC के साथ सामने वाले पैसेंजर है वो ऑलरेडी बोर्ड किए हैं या नहीं किए हैं या कहाँ तक जाते हैं, जर्नी कैसी होती है, पूरा खाना पीना सब कुछ आप सभी को दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फिलहाल कुछ ऐसा है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5, 6 और 7 इस तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 इस तरफ है, जो कि इंदौर से आने वाली गाड़ियां हैं इसी प्लेटफॉर्म पर आती है। फिलहाल आज की अपनी जो गाड़ी है वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। जी रहा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बना AC वेटिंग हॉल, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी साफ़ सुथरा और नया नया सा लग रहा है। खैर मैं भी वेटिंग रूम में आ चुका हूँ, ट्रेन में लगभग 1 घंटा भी बाकी है तो आराम से बैठ के थोड़ा सा यहाँ रेस्ट लिया जा सकता है। खैर आप टेस्ट करते हैं जो मैंने वेज पुलाव मंगवाए हैं यहाँ से, उनका रिव्यू भी आप सभी को मैं दूंगा कि आखिर टेस्ट उनका कैसा है। डिनर भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा और ट्रेन बस यहाँ से निकलते ही बाहर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आएगी, फिर उसके बाद हम लोग जर्नी शुरू करेंगे। यार एक चीज़ आप सभी को बता दूँ, ये जो वेज पुलाव है मैंने रतलाम की बहुत ज़्यादा फेमस होटल सिंध पंजाब से मंगवाए हैं, मैं तो यहीं का रहने वाला तो मुझे पता है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। खैर आप सभी को फिर भी एक बार रिव्यू करके बता देता हूँ। वेज पुलाव जो है काफ़ी बढ़िया है और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा, अगर आप रतलाम आ रहे हैं या आपको मन है डिनर विनर वगैरह कुछ करने का तो आप ज़रूर से होटल सीन पंजाब को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो करेंटली दोस्तों वक्त हो चला है लगभग 9:10 और मैं आ चुका हूँ वेटिंग रूम से बाहर। अभी जब मैं अपनी ट्रेन ट्रैक कर रहा था ऑनलाइन तब पता चला कि ट्रेन जो है लगभग 20 मिनट बिफोर टाइम रतलाम से एक स्टेशन पहले पहुँच चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म जो है खाली है तो यहाँ पर ट्रेन को जो है ले लिया जाएगा। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं अपनी ट्रेन जो है कितनी देर में आती है। 9:25 का यहाँ पर शेड्यूल अराइवल है, बट देखते हैं अभी कितने बजे आती है ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है इंदौर उदयपुर सिटी वीरभूमि एक्सप्रेस, ये दोस्तों वाया उज्जैन नागदा होकर आती है, और सामने आ चुकी है अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो कि वाया फतेहाबाद होते हुए आती है, जो कि शॉर्ट रूट है रतलाम पहुँचने का इंदौर से। तो करीब अपने समय से 2 मिनट बिफोर टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है अपनी ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं अपने कोच में, और ट्रेन स्टार्टिंग में काफ़ी साफ़ सुथरी नज़र आ रही है, देखते हैं अंदर अपने RAC के साथ वाले पैसेंजर कौन है। खैर अंदर से भी कोच जो है काफ़ी साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, तो अपने जो साथ वाले पैसेंजर हैं वो ट्रेन में ऑलरेडी इंदौर से ऑनबोर्ड है, उनको भी RAC मिला है और वो जा रहे हैं टिल जयपुर। तो जयपुर तक तो अपनी ये सीट जो है साइड डोर वो ऑक्यूपाइड रहेगी, उसके बाद देखते हैं। खैर अभी मैं एक बार TT सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई सीट खाली रहे तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो करीब 9:34 पर हमारा डिपार्चर हो चला है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से, करीबन 10 मिनट तक हमारी ट्रेन यहाँ पर रुकी रही थी। सामने जो दोस्तों प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है वो है मेन लाइन का प्लेटफॉर्म, यानी कि नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल का जो मेन लाइन है उसका प्लेटफॉर्म है। हम लोग अब बढ़ चले हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ।
आर करेंटली टीटी सर जो है आके चेक करके जा चुके हैं, ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं है। तो टिल जयपुर मुझे आरएसी में यानी बैठे बैठे सफ़र काटना होगा। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश है अंदर, इसलिए मैं अंदर ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। पर यार मुझे लगा था कि लिटरली क्लियर हो जाएगी सीट, पर नहीं हुई। तो करीब रात के 10 बजे अभी समय हो चला था और हमारी ट्रेन जो है वो स्किप कर रही थी जावरा रेलवे स्टेशन को। तो जिस दिन मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था उस दिन पूरी ट्रेन जो है पैक थी, इवन 3AC का जो डब्बा था वो भी पूरा भरा हुआ था। मेरी सीट इसीलिए RAC में थी, पर कोई बात नहीं, RAC में भी हम एंजॉय कर रहे थे बाहर के नज़ारों को देखते हुए बढ़िया से। तो करेंटली समय हो चला है 11:02 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मंदसौर रेलवे स्टेशन। वैसे रतलाम से निकलने के बाद हमारी ट्रेन का ये पहला हॉल्ट है। एक खुशखबरी आप सभी को मैं देना चाहूँगा कि मेरी सीट जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक पैसेंजर नहीं आए थे तो उनके बदले TT ने मुझे अलॉट कर दिए, तो मेरी RAC जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। दोस्तों वैसे TT सर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि इस ट्रेन में जो है चार्टिंग एक ही बार होती है, तो इस ट्रेन में जो मैक्सिमम पैसेंजर है वो जयपुर तक के हैं। जयपुर के बाद ये ट्रेन में आपको सीट जो है वो अवेलेबल मिल जाएगी। इवन मेरी भी जो RAC सीट थी वो सामने वाले जो पैसेंजर हो जयपुर तक ही जा रहा था, जयपुर के बाद जो हमारी ट्रेन खाली हो जा रही थी। खैर अब आगे चलते हैं, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। लगभग रात के 11 बज चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मंदसौर रेलवे स्टेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं रात में भी खुले देखने को मिल जाएंगे। लगभग रात के 11 बज चुके हैं, हर थोड़ी दूर पर आपको स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। खैर चलिए, हमारा स्टार्टर सिग्नल हो चला है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का लगभग 2.5 से 3 मिनट का हॉल्ट था। तो करीब 11:06 पर हम लोग निकल रहे हैं अब मंदसौर रेलवे स्टेशन से। तो यार सीट कंफर्म होने के बाद अब वक्त है थोड़ा सा रेस्ट करने का। हमारी ट्रेन ने जो है मंदसौर निकाल दिया है। अब से कुछ ही देर में दोस्तों चित्तौड़गढ़ आने वाला है। चित्तौड़गढ़ के बाद जो हमारी ट्रेन है वो अजमेर होते हुए जयपुर पहुंचेगी कल सुबह 6:45 पर। तो चलिए अब मैं सोता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह जयपुर पर। तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों मैं तो सो चुका था तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही मैं उठा तो पता चलता है कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अपशब्द का जो है प्रयोग कर रहे हैं, और लगातार जो कोच के पैसेंजर हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। यह लड़ाई काफ़ी देर तक चली और काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस दौरान हुई। बस मैं आप सभी को वो चीज़ें ना सुनाऊँगा ना दिखाऊँगा। मेरा मकसद यही है आप सभी को बताने का कि इस कारण से पूरे कोच के जो पैसेंजर है वो डिस्टर्ब हुए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का डे टू की जर्नी में। समय हो चला है लगभग 7:06। लगभग अपने समय से 15-20 मिनट की देर से हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है जयपुर रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह का वक्त है दोस्तों और जयपुर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड नज़र आ रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते अपने ट्रेन में, तो पेंट्री कार जो है वो मौजूद है। ब्रेकफास्ट वगैरह का ऑप्शन जो आपको यहाँ पेंट्री कार में देखने को मिल जाएंगे इस ट्रेन में, और चाय वगैरह जो ऑलरेडी बिकना स्टार्ट हो चुकी है। कल रात में जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तब तो कुछ बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। फिलहाल जयपुर पे चले देखते हैं क्या क्या ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर यहाँ से नहीं होता तो हम पेंट्री का ज़रूर से ट्राई करेंगे। दोस्तों वैसे जयपुर स्टेशन पर आपको जो शॉप्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी, और फिलहाल ब्रेकफास्ट के ऑप्शन में मुझे कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, तो मैं ट्रेन का ही जो है ब्रेकफास्ट ट्राई करूँगा। सुबह सुबह का वक्त था दोस्तों, हमारी ट्रेन जयपुर पहुँची थी, और ये कितना अच्छा होता ना जब ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुँचती है, यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुँचते हैं। जो आगे यात्रा करने वाले यात्री होते हैं वो अपना नाश्ता वगैरह लेते हैं और खाने पीने को एंजॉय करते हैं। यही है भारतीय रेल का सफ़र। तो करीब 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है जयपुर रेलवे स्टेशन से। सात बज के 15 मिनट अभी समय हो चला है। दोस्तों सुबह सुबह का वक्त है, चाय तो ज़रूरी है, तो पेंट्री कार से मैंने चाय ली। चाय दिखने में एकदम वाइट लग रही है, मतलब लग रहा है कि चाय में चाय पत्ती ही नहीं डली है। चलिए टेस्ट करते हैं।
एज यूजुअल गर्म पानी विथ सम शुगर एंड विदाउट टी। क्या कहें, खैर कोई बात नहीं, चलिए अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं ब्रेकफास्ट के साथ आए ट्रेन का। तो वक्त है दोस्तों ब्रेकफास्ट का, और ट्रेन में जो पेंट्री वाले भैया हैं उनसे मैंने ब्रेकफास्ट लिया है। फिलहाल ये पोहा मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ का, चलिए अभी इसे टेस्ट करते हैं। तो यूजुअली अगर बाहर देखा जाए तो पोहा मिलता है 10 रुपये का, इस क्वांटिटी में 15 रुपये या 20 रुपये में इतना पोहा आ जाता है बाहर होटल्स में, पर ट्रेन में 50 रुपये का इतना सा पोहा आता है। चलिए टेस्ट करते हैं इसको, टेस्ट कैसा है। वैसे है तो गर्म, ओके नॉट दैट गुड, क्योंकि हमें आदत है अच्छा पोहा खाने की, हम रतलाम इंदौर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ तो पोहा काफ़ी अच्छा मिलता है। खैर फिलहाल ये टेस्ट भी अच्छा है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि अगर ब्रेकफास्ट करना है जयपुर स्टेशन पर आपको ब्रेकफास्ट के इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, मतलब जो हेल्दी रहे सुबह सुबह, मैं आप सभी को बस पोहा ही रिकमेंड करूँगा ट्रेन से, या फिर ब्रेकफास्ट के ऑप्शन से रिकमेंड करूँगा, क्योंकि चाय जो है ट्रेन का वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, चाय आप बाहर से ही ले सकते हैं। सफ़र तो दोस्तों हमारा बढ़िया से चल रहा था, हमारी ट्रेन बढ़िया स्पीड में चल रही थी, तभी अचानक एक स्टेशन आता है काफ़ी खूबसूरत, उसके आसपास आप देख सकते हैं पहाड़ जो है नज़र आ रहे हैं, और सचमुच ये स्टेशन कितना सुंदर है, यहाँ बैठकर ट्रेनों को आते जाते देखना बहुत ही अच्छा लगेगा। करीब 9:11 समय हो चला है और हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करें दोस्तों अलवर में, यहाँ की मिठाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अगर आपकी ट्रेन इस रूट पे आ रही है तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हमारी ट्रेन जो है चल चुकी है, चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिर बातचीत करते हैं। अलवर स्टेशन के हर स्टॉल पर आपको मिठाई देखने को मिल जाएगी। खैर अलवर एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है जयपुर न्यू दिल्ली लाइन का, और साथ ही साथ एक जंक्शन स्टेशन भी है। कर को लेते हुए हमारी ट्रेन जो है पहुंच रही है रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। दिल्ली सराय रोहिल्ला बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस। तो करेंटली अभी टाइम हो रखा है 10:23 और हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा स्टेशन है जयपुर नई दिल्ली लाइन का। यहाँ पर से दोस्तों लगभग 6 से 7 लाइन्स जो अलग होती है, मैं इकट्ठा याद रख के बोल भी नहीं पाऊँगा, इतनी सारी लाइन्स यहाँ से अलग होती है। अब बात करते हैं दोस्तों अपने ट्रेन के बारे में, तो लगभग ऑन टाइम हमारी यहाँ पर ट्रेन चल रही है, और रेवाड़ी स्टेशन पर दोस्तों खाने पीने का आपको काफ़ी सारे आइटम जो है नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर लोकल जो स्टॉल्स हैं वो मौजूद है, कोई मतलब बड़ा स्टॉल IRCTC का मौजूद नहीं है प्लेटफॉर्म पर जो लोकल स्टॉल्स हैं वो मौजूद है, जहाँ पर आपको पूरी सब्जी वगैरह ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर पीछे एकदम गर्म गर्म बन रही है। खैर मैंने तो ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, और दिल्ली का यहाँ से सफ़र बस 1 या 1.5 घंटे का और रह गया है। 10:30 12 बजे हमारी ट्रेन जो है वो दिल्ली पहुँच जाएगी। धूप जो है तीखी हो चुकी है, बीच में वेदर हल्का फुल्का अच्छा हुआ था, ओवरकास्ट हुआ था, पर वापस से जो है अब धूप एकदम तीखी हो चली है। खैर सफ़र काफ़ी अच्छा चल रहा है, जयपुर के बाद से गाड़ी खाली है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
रहा था कि हमारी ट्रेन जो है वो बिफोर टाइम जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी। दिल्ली कैंट से लेकर अभी दिल्ली सराय रोहिला आउटर तक हमारी ट्रेन ने लगभग 1.5 घंटा लगा दिया है। मतलब थोड़ी दूर चलती है फिर रुक जाती है, फिर थोड़ी दूर चलती है फिर रुक जाती है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, कहाँ एक समय बिफोर टाइम पहुँचने वाले थे और अब लेट हो चुके हैं। और गर्मी भाई साहब, दिल्ली कोई जवाब नहीं है। तो करीब अपने समय से 1/2 घंटे की देरी से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, जो कि इस ट्रेन का डेस्टिनेशन है और अपना भी डेस्टिनेशन है। फिलहाल आज की जर्नी हम लोग यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। ट्रेन काफ़ी बढ़िया है, ट्रेन पैक्ड चलती है। एक बात आप सभी को पहले ही बता दूँ, वीकली ट्रेन है भले ही पर ट्रेन पैक्ड चलती है। अब ट्रेन में खाने पीने की सुविधाएँ मौजूद है, चाय को छोड़ के सारी चीज़ें जो हैं अच्छी हैं। पंचुअलिटी ट्रेन की दिल्ली के आउटर तक अच्छी थी, दिल्ली आते आते ये ट्रेन जो है वो 1/2 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, चलता है, कुछ कारणवश ये हुआ होगा। सो आई होप आप सभी को ये जर्नी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रेयांश जैन को मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल जर्नीज में, तब तक अपना ख्याल रखें। दिस श्रेयांश जैन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली सराय रोहिला। हाँ, और एक और बात, ये ट्रेन जो है अभी 2 घंटे बाद सेम दिल्ली सराय रोहिला इंदौर एक्सप्रेस बन के वापस इंदौर की तरफ रवाना हो जाएगी, यानी कि 2 ही घंटे में वापस इंदौर निकल जाएगी, यानी कल सुबह ये पहुँच जाएगी इंदौर।